रहेजा जी, अगर आपको सलाद खाना नहीं आता तो क्यों जबरदस्ती? I mean, अगर आपको सलाद खाने का मन नहीं है तो क्यों खा रहे हैं? तुम बस शादी हो गई है? नहीं, अभी तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। तो क्या है? ये मेरी बीवी मुझे दिन में 3 बार सैलेड खिलाती, वो भी बिना नमक। उसका ये कहना है कि आई एम द फेस ऑफ द कंपनी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दिन ये पेट पीछे दीवार पर लटकने वाला है। सर, कैन आई से समथिंग सर? एक्चुअली आप बहुत शरीफ हो सर, वो तो आपकी बीवी आपको डरा के रखती है सर। मतलब शरीफ और डरपोक एक ही लाइन में तारीफ भी कर दी और बेइज्जती भी कर ली। हम की बात करें जी। भाई, मैंने आप दोनों को यहां इसलिए बुलाया है, ये देखो सर, हम तो ऑलरेडी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ, इस कॉम्पिटिशन में आप अपने पार्टनर्स के साथ डांस नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों एज अ कपल डांस करेंगे। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जब टीवी पर आएगा, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ हमारा ही प्रोग्राम देखे। भाई, पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब करना पड़ता है। आई एम रेडी सर, इनफैक्ट मजा आएगा सर, शिव को अपनी बाहों में लेकर झूमना सर। आई होप यू वोंट माइंड, राइट? आई एम रेडी, झूमना, मजा आएगा। सॉरी सर, मैं ऐसा कोई स्टंट नहीं कर सकता जो ऐसा इंस्टेंट हो। इनफैक्ट सर, अंडरस्टैंड वन थिंग, डांस करने के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, और मेरे और संत की ट्यूनिंग तो बहुत दूर की बात है सर, हम लोगों की तो दोस्ती भी नहीं है। सर, हारने से बेटर है कि मैं पार्टिसिपेट ही ना करूं। लेकिन हमें टीआरपी चाहिए, इसलिए करना पड़ेगा। सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे सर, संत, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? Hey beautiful. संत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे ऐसे बात मत किया कर। Okay, sorry. Hey, बदसूरत लड़की। क्या? संत, please. यार कमाल है, खूबसूरत कहूँ तो प्रॉब्लम, बदसूरत कहूँ तो प्रॉब्लम। तुमने मुझे फोन क्यों किया? वो एक्चुअली मिस्टर रहेजा के यहाँ डांस कॉम्पिटिशन को लेकर कुछ बातें हो रही थी। तो? तो I was thinking, अगर तुम कॉफी पे मिलती तो थोड़ा बात कर लेते। तो तुम फोन पर ही बता दो। यार, ये फोन करने वाली बात नहीं है, आमने सामने वाली बात है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझे सामने ही बतानी है और फोन पर नहीं बता सकते? टाइम वेस्ट मत करो गौरी, I just want to share something with you. तो ठीक है, मैं तुलिका को लेकर आ जाऊंगी। यार, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, कॉमेडी क्लब नहीं जाना चाहता, और वैसे भी तुलिका के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है, वो तो हमेशा शिव शिव ही करती रहती है। हेलो गौरी, यू देयर? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ओके। कहाँ पहुंचने की तैयारी है मैडम, वो भी अकेले अकेले? अरे वो संत मुझे कॉफी शॉप ले जाना चाहता है। ओहो, कॉफी शॉप, वो भी अकेले अकेले संत के साथ? सही है, मुंबई की हवा लग गई है ना तुझे? तू पागल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो संत मुझे कॉफी शॉप सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ बताने के लिए ले जाना चाहता है, और कुछ नहीं है। मुंबई की हवा लग गई है, पता नहीं ये साथ रहेंगे ना, कुछ तो सीख ले, जिंदगी भर ना मुझे दुआएं देगी, दुआएं। ये ले, ये खा टमाटर। हाय गौरी, प्लीज सिट। सो टेल मी, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा बताओ, क्या पियोगी? बेटा कुछ नहीं, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया था ना, तो
बात तो करनी ही है यार, तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आई तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। ठीक है, अगर तुम ऑर्डर नहीं करोगी तो मैं ही कर लेता हूँ। टू कॉफीज एंड टू पेस्ट्रीज प्लीज, थैंक यू। अरे अरे, इतना सब कुछ? मैं तुमको डेट पर नहीं लेके आया हूँ, ये हमारे बीच पहले से ही डिसाइड हुआ था, राइट? और ना ही मैं तुमको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एंड यू माय गेस्ट। मगर वो तुम अपने पर्स और मगर से ना प्रूव कर रहे हो कि मैं तुमको डेट पर लेके आया हूँ। रिलैक्स, तुम बस एक फ्रेंड से मिलने आई हो, एंड इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं यार। शिव, हाय बेबी, अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या खास वजह है आज? आज आलू मेथी और चने की दाल की सब्जी भाभी ने बनाई है। तुम आ रहे हो ना लंच पे? ओए, मुझे याद करने की वजह पूछ रहा हूँ तुझसे, तेरे खाने का मेन्यू नहीं पूछ रहा। चने की दाल खा लोगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। देखो जी जी, अब तुम्हें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमें अपनी बॉडी की केयर खुद करनी पड़ती है। तुलिका, मैं अपनी बॉडी की केयर खुद कर लूंगा, पर अब क्या मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने तुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास मेरा नंबर है। क्योंकि मैं तेरे घर आ रहा हूँ गौरी को पिक करने के लिए, रिहर्सल हॉल ले जाने के लिए, उसका फोन नहीं लग रहा। ओहो, क्योंकि वहाँ कभी कभार नेटवर्क नहीं आता है ना, और वैसे भी वो जगह कितनी अंदर है। कौन सी जगह? अब लवी डवी कैफे। वो गौरी वहाँ क्या कर रही है? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो वहाँ जा रही है? नहीं, किसके साथ? सन के साथ डेट पर। अब क्या हुआ, गाड़ी टूट गई क्या? गौरी डेट पे, वो भी संत के साथ।